going to react on Anna OST. वैसे ये ड्रामा जो है इसका लास्ट एपिसोड आ चुका है और मैं इस पर रिएक्शन इसलिए दे रहा हूँ इसके OST पर क्योंकि जब भी मैंने यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज खोला है ना तो ट्रेंडिंग में बस यही ड्रामा देखने को मिला है. इसका प्रोमो हो एपिसोड हो जो कुछ भी हो ये बस ट्रेंडिंग नंबर 1, 2, 3 बस यही. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंडिंग का जो पेज है ना इन्होंने बस रिजर्व करके रखा था अपने लिए. अब इस ड्रामे का जो है लास्ट एपिसोड आ चुका है और मैं भी हाँ एक मिनट मैंने कुछ घंटे पहले चेक किया लेकिन इसका जो है लास्ट एपिसोड जो है वो अभी भी ट्रेंडिंग में है. मतलब लास्ट एपिसोड भी ट्रेंडिंग में है. मतलब ब्रिलियंट है और इसका जो है वो OST वगैरह और एपिसोड प्रोमो मैंने कुछ भी नहीं देखा. एक प्रोमो तक मैंने नहीं देखा. मतलब एक किस्म से मैं मजबूर हो गया इस OST पर रिएक्शन देने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्ट. हानिया आमिर ने खुद गाया है. अच्छा होता अगर किसी और ने गाया होता. मतलब ये सिंगर थोड़ी है. दिल पे गुस्सा अब ये मस्त है. भी क्या फायदा कोई कानून ना इश्क का कायदा. दिल पे गुस्सा करो शहजाद इज लुकिंग हैंडसम. इश्क का कायदा बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी. बात एक ना भुलाए कोई दिल से कभी. सुन ले मेरी दुहाई कोई दिल से कभी. दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है. मैं ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो OST से मुझे 0.1% भी नहीं लगा कि ये ड्रामा जो है वो इस ड्रामे में एक्चुअली हो क्या रहा है. लेकिन बस इतना पता है कि ये ड्रामा ट्रेंडिंग में है. हर प्रोमो हर एपिसोड ट्रेंडिंग में. तो अब देखो ट्रेंडिंग में दो किस्म की चीज़ें मतलब ट्रेंडिंग में आ जाती है. एक मतलब फजूल किस्म की चीज़ें जो ट्रेंडिंग में आ जाती है. एक जैसे कुछ दिन पहले वो एक बाबी और सुंदर बाबी से प्यार ऐसा कुछ वीडियो था वो ट्रेंडिंग में आ गया था और इतने गंदे कमेंट्स थे उस पर. हम पाकिस्तानियों के क्या बताऊँ. और वीडियो थी इंडियन की. और एक जब 1000% जो है वो बेस्ट वीडियो होती है वो ट्रेंडिंग में आ जाती है. तो बस यही दो चीज़ें. लेकिन ये ड्रामा ट्रेंडिंग में है तो आई एम श्योर ये बेस्ट ही होगा. और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर देखूंगा. अगर तुम लोगों में से किसी ने यह ड्रामा देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि यह ड्रामा कैसा है, मुझे देखना चाहिए कि नहीं. तो बस यही था. अगर OST की बात की जाए तो साहिर अली बग्गा तो वो तो बस माइंड ब्लोइंग है ही. और अगर हानिया आमिर की बात की जाए सिंगिंग की तो ओवरऑल नाइस.
वो अच्छा गा लेती है, लेकिन अगर इसके बदले एमआबे या कोई और सिंगर जो प्रोफेशनल सिंगर है उन्होंने गाया होता तो ज़्यादा बेटर होता। पर खैर जो भी था, इट्स बेस्ट ओएसटी। तो तुम लोग बताओ ये रिएक्शन रिव्यू कैसा लगा मेरा। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना, इस ड्रामे के बारे में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। हार से डर लगता।